दोस्तों नमस्कार, मैं रमणी कुवैक आपके समक्ष हूँ इस समय। दोस्तों आज मैं यहाँ प्राणायाम फॉर कैंसर की बात करना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्राणायाम हैं कैंसर के लिए, परंतु बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। अक्सर मैं देखता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरे को कैंसर है। मैं पूछता हूँ बताओ भैया कौन से प्राणायाम कर रहे हो। सो दे टेल मी, मेरे को कहते हैं कि सर मैं वो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, हास्य, उद्गीत, ये सब करता हूँ। मैं कहता हूँ भैया प्राणायाम के नाम तो आपने बड़े अच्छे बताए, पर इनमें से कैंसर के लिए एक भी नहीं है। तो जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, वैसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए प्राणायाम अलग अलग होते हैं। तो हालांकि कैंसर के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्राणायाम है, बहुत बार मेरे साथ लोग कोर्स करते हैं बीमारी से संबंधित प्राणायाम पर कोर्स, जिसमें मैं जिस बीमारी से वो ग्रस्त होते हैं उससे संबंधित 10 प्राणायाम कराता हूं। तो दोस्तों यहां मैं कैंसर के लिए प्राणायाम की बात करना चाहता हूं। प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैंसर के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। करने की तकनीक जो है कुछ इस प्रकार होती है कि पहले हम अपान मुद्रा, जैसे आप देख रहे हैं मित्रों, आप यू कैन सी कि दो मैंने उंगलियां और अंगूठे को ऐसे जोड़ लिया है और बाकी उंगलियां मैंने बाहर की तरफ पॉइंट की कर रही हैं। अब इस प्राणायाम करने का तरीका क्या है कि पहले आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए और बाएँ से सारी सांस बाहर को फेंक दीजिए। इसको कहते हैं स्टार्टिंग पोजिशन। पहला स्टेप होता है बाएँ से लें चार की गिनती में, दूसरा दोनों बंद करें ऐसे, जालंधर बंद लगाएं और यहाँ पे 16 तक रोक के रखें। तीसरा स्टेप बंद खोलें और धीरे धीरे करके अब राइट से 8 में निकाल दें। चौथा स्टेप राइट से ही 4 में लें। पांचवा फिर से दोनों बंद करें, जालंधर बंद ऐसे लगाएं, 16 तक रोकें और आखिरी स्टेप बंद खोल के धीरे धीरे करके लेफ्ट से 8 में निकाल दें। ऐसे में दोस्तों एक राउंड हमारा पूरा होता है। तो दोस्तों इसमें आप दो बातों का विशेष ख्याल कीजिएगा। अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। पहली चीज़ ये कि रिमेंबर टू फॉलो एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब आप सांस लें आपका पेट बाहर को फूले, जब आप छोड़ें अंदर की ओर जाए। ऐसा ना हो कि उल्टा ही चलने लग जाए। यू नो मैनी टाइम्स मैंने देखा है बहुत बार लोग चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जो बिल्कुल गलत है। सो पहली चीज़ आपने क्या करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। दूसरी चीज़ मात्राओं का विशेष ख्याल करना है। प्राणायाम का रोल है टू ऑक्सीजनेट द सेल्स ऑफ द सिस्टम, कि हम अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उनके अंदर कोई गंभीर रोग पनपना हम मुश्किल कर दें। तो उसके लिए दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती हैं मात्राएं, दूसरा बंद। तो मात्राओं का मतलब रेशियो, किस रेशियो में सांस लेनी है, कितना रोकना है, किस रेशियो में निकालनी है, इसको हम कहते हैं मात्राएं। तो दोस्तों याद रखिएगा मात्राएं इस प्राणायाम में क्या है, 4, 16, 8। प्रत्येक बार आपने 4 की मात्रा में सांस लेना है, प्रत्येक बार आपने 16 की मात्रा तक सांस रोकना है और प्रत्येक बार आपने 8 की मात्रा में सांस निकालना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, इसको सवेरे शाम जरूर कीजिएगा। और अगर आप कैंसर से ग्रस्त हैं तो यू मस्ट डेफिनेटली प्रैक्टिस, तब तो बहुत जरूर है आपको, बहुत ज़रूरी है आपको ये प्राणायाम करना। दोस्तों मेरे YouTube में 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप मेरे को YouTube में भी देख सकते हैं। मेरे YouTube एड्रेस है youtube.com/ रमणीक वेग। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।